अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल राइट यू एक्सरसाइज नोटबुक। आज हम काम करेंगे एक्सरसाइज नोटबुक पे। आज हमारा पेज नंबर, आज हमारा जो डे फोर होगा, डे है 67। ओपन योर एक्सरसाइज नोटबुक। आज हमारा डे फोर होगा, डे 67। What we will write in center, C.W. C.W. means classwork. Write atilta. A is a grass letter. What comes after A? B. Ba write in upper three line. Ba is a sky letter. What come after B? K. K. K write in center two line. K is a grass letter. What comes after K? D. D write in upper three line. D is a sky letter. What come after D? A. A write in center two line. A is a grass letter. What come after A? Write in upper three line. F is a sky letter. What come after F? G. G write in lower three line. G is a root letter. What come after G? H. H is a I write in upper three line. H is a sky letter. What come after H? What comes after H? E. E write in center two line. E is a grass letter. What come after E? J. J write in lower three line. J is a root letter. What come after J? K. K write in upper three line. K is a sky letter. What comes after K? L write in upper three line. L is a sky letter. What come after L? M write in center two line. M is a grass letter. What come after M? N write in center two line. N is a grass letter. What comes after N? O write in center two line. O is a grass letter. What comes after O? Pa write in lower three line. Pa is a root letter. What come after pa? Qua. Qua write in lower three lines. Qua is a root letter. What come after qua? R write in center two line. R is a grass letter. What come after R? Write in center two line. S is a grass letter. What come after st? T write in upper three line. T is a sky letter. बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह करेंगे। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। लाफिज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल रीड यू फोनिक रीडर। आज हमारे फोनिक रीडर का पेज नंबर है, पेज नंबर है 20। आज हमारा डे फुल होगा, डे 66। डे 66 को हम रीड पेज नंबर करेंगे 20। पेज नंबर 20 को हम रीड करेंगे डे 66 से लेकर डे 70 तक। ओपन योर फोनिक रीडर। पेज नंबर 20। T O 2 W I T H with I T it I S is by my T H it a 2 T O 2 W I T H with I T it I S is by my T H it a T O 2 with W I T H with I T it I S is M by my T H it the 2 with it
इज माई दा। अच्छे बच्चों की तरह रीड करेंगे इंशाल्लाह, फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर रीडिंग 1000 वर्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन अवर बुक, विल ओपन अवर बुक पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, एंड आवर टॉपिक इज वाटर ट्रैवल। आवर टॉपिक इज वाटर ट्रैवल, वाटर ट्रैवल बहरी सफ़र करना। फेरी, फेरी, फेरी कश्ती में सफ़र करना, किराए पर चलने वाली कश्ती। सेल, सेल, सेल बादबानी कपड़ा। याट, याट, याट तफरीही कश्ती। हूवरक्राफ्ट, हूवरक्राफ्ट, हूवरक्राफ्ट मीन्स मालिक जहाज। और मीन्स नाव के खींचने का डंडा। बोट, बोट, बोट मीन्स कश्ती। बॉय, बॉय, बॉय पानी पर तैरने वाला निशान। सबमरीन, सबमरीन, सबमरीन समंदर के अंदर का, जो समंदर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय पीरा का ये सहारे या रहबरी के लिए पानी पर तैरता। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। शिप, शिप, शिप मीन्स समंदरी जहाज। गोंडोला, गोंडोला एक किस्म की छोटी कश्ती, जिसके दो एक लंबी तंग कश्ती जिसके दोनों सिरे ऊपर को उठते हैं। टग बोट, टग बोट, टग बोट समंदरी जहाज़ों को खींचने वाली कश्ती। एंकर, एंकर, एंकर जहाज का लंगर। पैडल, पैडल, पैडल मीन्स चप्पू। कैनोए, कैनोए छोटी कश्ती जो साइकिल की तरह चलती है, छोटी कश्ती से सफ़र करना। स्पीड बोट, स्पीड बोट तेज़ रवि के लिए बनाई गई मोटर बोट। ओके चिल्ड्रंस, डू योर रीडिंग, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिफ़त नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम काम करेंगे एक्सरसाइज नोटबुक में, जो मैथ की आपकी एक्सरसाइज नोटबुक है, आज हम उसमें काम करेंगे। हमारा डी फॉलो हो रहा है 67, तो चलिए हम इसके साथ साथ ओपन करें कॉपी। डी फॉलो हो रहा है 67। व्हाट वी विल राइट इन सेंटर, सी डॉट डब्ल्यू, इट्स मीन क्लास वर्ड। आज हम करेंगे राइट 1 टिल 40, जो हमने लास्ट टाइम मैथ फॉरेस्ट कॉपी में किया था, वही आज काम हम एक्सरसाइज नोटबुक की मैथ कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलें इसके साथ साथ लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 1, 2, 12,
1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. 2, 0, 20 के बाद 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23. आप देख रहे हैं ना मिस कैसे पर के लिख रही है। आप भी कोशिश करा करें इस तरह से पर के लिखिए ताकि आपको काउंटिंग याद हो जाए। ठीक है, 2, 4, 24 इसके साथ साथ लिखते जाएं, 2, 5, 25 2, 6, 26 2, 7, 27 2, 8, 28 2, 9, 29 3, 0, 30 What come after 3, 0, 30 3, 1, 31 3, 2, 32 3, 3, 33 3, 4, 34 3, 5, 35 3, 6, 36 3, 7, 37 3, 8, 38 3, 9, 39 4, 0, 40 आई होप कि आप मेरे साथ साथ ही काम कर रहे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम किसकी राइटिंग कर रहे हैं? उर्दू राइटिंग। ये हमारी कौन सी फॉरेस्ट है? उर्दू फॉरेस्ट। चले हम इसे ओपन करते हैं। आज देखिए हमारा सफ़ा नंबर कौन सा है, 78। हमारा सफ़ा नंबर कौन सा है, 78। और हमारा प्लानिंग का कौन सा डे फॉलो रहा है, 67। प्लानिंग का कौन सा डे फॉलो रहा है, 67। अब देखिए हमें लिखाई किसी करनी है, सीन की। मैंने आपको कल बताया था ना सीन कैसे लिखेंगे, आज हम डॉट पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीन की होलो राइटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सीन की होलो राइटिंग करेंगे। अब देखिए सीन कैसे लिखना है। आपकी कॉपी में डॉट बना हुआ है ना, इस डॉट से पहले ऐसे एक बार ऐसे गोल करेंगे, इसके बाद दूसरी बार ऐसे गोल करेंगे, फिर आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे ऐसे प्याला बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बार भी ऐसे करेंगे, एक शोशा फिर इसके बाद दूसरा शोशा, फिर इसके बाद ऐसे, फिर से देखिए टीचर कैसे कर रही है, एक शोशा इसके बाद दूसरा शोशा, फिर ऐसे कर देंगे। क्या बन गया ये, सीन। सीन सेब। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। सीन सेब। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे, पहले एक शोशा फिर दूसरा शोशा फिर ऐसे नीचे करके। सीन
सीन सेब। बिल्कुल अच्छा अच्छा काम करेंगे, नीट एंड क्लीन जैसे टीचर ने लिखा है वैसे, और सेब में कलर भी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू कायदा। ये हमारी कौन सी किताब है? उर्दू कायदा की किताब। चलें हम इसे ओपन करते हैं। सफ़ा नंबर कौन सा है हमारा? सफ़ा नंबर 16। सफ़ा नंबर 16। अब देखें, जैसे हमने पिछले पेज पे की पढ़ा था ना आ, ये क्या लिखा हुआ है? आ। देखें होंठ कैसे बने हुए इसमें, जब हम आ पढ़ेंगे तो इसमें होंठ कैसे बनेंगे? ऐसे देखें आ। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। र आ रा, सा आ सा, शा आ शा, ता आ ता, का आ का, गा आ गा, ल आ ला, म आ मा, ह आ हा। फिर से पढ़ते हैं हम। र आ रा, सा आ सा, शा आ शा, ता आ ता, का आ का, गा आ गा, ल आ ला, म आ मा, ह आ हा। पिछला भी याद करेंगे और नया पेज भी याद करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम, फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की सलामत के टीचर। आज हम सलामत में सोने जागने की सुन्नत व आदाब याद करेंगे। सोने जागने की सुन्नत आदाब जो कि हमारी सलामत की किताब सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। तो आए बच्चों, सफ़ा नंबर 21 खोलते हैं। सफ़ा नंबर 21। सोने जागने की सुन्नत व आदाब। सोने से पहले वज़ू करना सुन्नत है। सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लें, ताकि कोई मौजी जानवर या कीड़े मकोड़े वगैरह हो तो निकल जाए। सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लें, ताकि कोई मौजी जानवर या कीड़े मकोड़े वगैरह हो तो निकल जाएं। फिर सोते वक्त की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। फिर सोते वक्त की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सीधी करवट पर सीधे गाल के नीचे सीधा हाथ रखकर किबले की तरफ मुकर के सोए। पेट के बल यानी उल्टा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दोज़खियों का तरीका है। सोते वक्त किबले की तरफ पांव ना करें। जागने की दुआ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जागने के बाद अपने बिस्तर को लपेट कर रखिए, वरना शैतान इस्तेमाल करता है। ये थी हमारी सोने जागने की सुन्नत वादा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की अरबिक की टीचर। आज हम अरबिक में याद करेंगे अत्वाएर। अत्वाएर परिंदों के नामों को कहते हैं। गुराबून
कव्वा गुराबून, कव्वा कवे को अरबिक में कहते हैं गुराबून और उर्दू में कव्वा। तऊसून मोर, तऊसून मोर, मोर को अरबिक में कहते हैं तऊसून और उर्दू में मोर। ज़ुबाबून मक्खी, ज़ुबाबून मक्खी, मक्खी को अरबिक में कहते हैं ज़ुबाबून और उर्दू में मक्खी। ये थे हमारे अत्वाएर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।